हेलो गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय चैनल नॉलेज कैटल दोस्तों आज का टॉपिक ना तो बैंक से रिलेटेड है ना ही सीरीज या हम कोई सीरीज चला रहे हैं पजल या सिटिंग अरेंजमेंट की आज का जो चैप्टर है उसका नाम है कैलेंडर और ये एक स्टूडेंट है जिन्होंने रिक्वेस्ट की है कि कैलेंडर पढ़ा दिया जाए वैसे तो एस एस के भी सारे टॉपिक्स में लूंगी एक बार बैंक का सिलेबस फिनिश हो जाए क्योंकि बैंक के भी एग्जाम्स चल रहे हैं लेकिन जितने भी लोग दिल्ली पुलिस स्टेट लेवल का कोई एग्जाम दे रहे हो आप लोग या फिर एसएससी की तैयारी रेलवे की तैयारी आप लोग कर रहे हो तो आपके लिए रीजनिंग का एक टॉपिक आता है जिसका नाम है कैलेंडर ठीक है हम सभी जानते हैं कैलेंडर हमारे जीवन में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है सब जानते हैं ये बात और कैलेंडर को हिंदी में क्या बोलते हैं कैलेंडर को हिंदी में बोलते हैं पंचांग है ना पंचांग बोलते हैं इसे हिंदी में अब कैलेंडर मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा स्टूडेंट होगा जिसको ये नहीं पता होगा कि कैलेंडर काम क्या करता है और कैलेंडर का यूज क्या होता है कैलेंडर कैसे बना होता है हमें ये पता है कि जो दिन होते हैं डेज डेज की हेल्प से बनता है वीक वीक यानी कि हफ्ता ठीक है और हफ्ते के हेल्प से बनता है आपका मंथ यानी कि महीना और महीनों की हेल्प से बनता है आपका एयर यानी कि दिनों के हिसाब से यानी दिनों को अगर हम ले और सात दिनों का एक बंच बना दे तो सात दिन से मिलकर बनता है क्या आपका हफ्ता या जिसे बोलते हैं एक हफ्ता है ना और हफ्ते से मिलकर बनता है लगभग चार हफ्तों से मिलकर बनता है आपका क्या एक महीना और बारह महीनों को मिलकर बनता है आपका एक साल ये सब जानते हैं ये सब जानते हैं है ना एक्चुअल में हमसे क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कैलेंडर बेस्ड कैलेंडर बेस्ड क्वेश्चन क्या था अब हम सारे कैलेंडर याद तो नहीं कर सकते हम डेट्स याद करके तो नहीं ले जाएंगे एग्जाम में कि भाई एक साल पहले की सारी डेट याद कर लेते हैं या छह साल पहले की सारी डेट याद कर लेते हैं करंट अफेयर थोड़ी ना है जो याद कर लोगे है ना? तो इसको कैसे हम निकालते हैं ये हमें यहां सीखना है इसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं एग्जाम और भी तरीकों से क्वेश्चन पूछता है जैसे वो बोलेगा आज का ये दिन है और इस दिन ये वार पड़ता है आपको बताना है इसके 305 दिन बाद क्या पड़ेगा या इससे पहले 308 दिन पहले क्या था या इसके दस दिन पहले क्या था या पंद्रह बीस दिन पहले बाद में क्या होगा तो ये भी एग्जाम पूछता है कई बार एक डेट दे देता है डे दे भी दे देता है और अगला उससे आ, आने वाला कुछ साल बाद आने वाला कोई डेट पूछ लेता है या उससे प्रीवियस कोई डेट पूछ लेता है यानी कि सबका मिक्सचर है यहाँ पर तो एग्जामिनर कुछ भी पूछ सकता है तो अब हमें पहले जिस भी चैप्टर को हम पढ़ते हैं मैंने पहले बोला है जब भी हम कोई चैप्टर पढ़ें उसका हिंदी मीनिंग भी पढ़ते हैं तो हम ये जरूर जान ले कि भाई वो उत्पत्ति कहां से हुई है क्या क्या होता क्या है कैसे बना हमारा ये कैलेंडर क्या क्या इसमें क्लॉज है क्या क्या अपवाद है क्या क्या चीजें हैं जो हमें ध्यान रखनी है हम सभी जानते हैं बहुत कॉमन सी चीज है कि भाई साल को एक तो बोला जाता है नॉर्मल ईयर है ना और एक बोला जाता है लीप ईयर लीप वर्ष और आपका साधारण वर्ष इसे बोलते हैं हम साधारण वर्ष और इसे बोलते हैं लीप वर्ष और मुझे नहीं लगता कि किसी स्टूडेंट को नहीं पता होगा ये साधारण वर्ष उसे बोलते हैं जिस वर्ष में फरवरी का महीना 28 दिनों का जाता है और लीप वर्ष उसे बोलते हैं जिस महीने में फरवरी का महीना 29 तारीख का जाता है हम सभी जानते हैं जो एयर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं एक होते हैं नॉर्मल ईयर यानी साधारण वर्ष और एक होते लीप ईयर यानी कि लीप वर्ष तो हमें पता है कि वो कैसे इसके बीच में डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं तो जो नॉर्मल ईयर होता है बेटा उसमें तीन दिन होते हैं होते हैं कि नहीं होते तीन डेज होते हैं और जो लीप वर्ष होता है उसमें एक दिन बढ़ जाता है वो एक दिन क्यों बढ़ता है वो एक दिन इस फरवरी की वजह से बढ़ता है क्योंकि वैसे तो फरवरी 28 का होता है लेकिन हर चार साल बाद कहा जाता है कि फरवरी 29 का हो जाता है तो जिन लोगों का जन्मदिन 29 फरवरी को पड़ता है तो कई बार वो कहते हैं कि हमारे चार साल बाद हमारा जन्मदिन आएगा है ना तो देखो ध्यान से ये चार साल बाद आता है ये बिल्कुल सही है ठीक है आप लोग देखते होंगे कैलेंडर्स में कि 28 फरवरी का आ रहा है तो अगला भी 28 फरवरी फिर 28 फरवरी फिर चौथा जो साल आएगा वो उनतीस फिर 28 28, 28 फिर उनतीस फिर 28 28, 28 फिर उनतीस और इसीलिए स्टूडेंट को जब एक बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि बेटा ये बताओ कोई भी साल है और हमें बताना है कि वो लीप वर्ष है या वो साधारण वर्ष है तो कैसे बताते हैं तो बच्चा कहता है कि मैम उसे चार से डिवाइड कर देते हैं यानी कि अगर मान लो मैंने बच्चे को बोला कि कि बेटा उन्नीसो बहत्तर, उन्नीसो बहत्तर जो जा चुका है शायद हम पैदा भी नहीं हुए थे तब तक है ना और मैंने आपसे बोला उन्नीस 1972 कौन सा साल रहा होगा यानी कि जब 1972 रहा होगा तो वो लीप वर्ष रहा होगा या साधारण वर्ष रहा होगा तो अब ऐसा थोड़ी ना हम गिनते जाएंगे या कुछ करते जाएंगे कि वन टू थ्री फोर फिर वन टू थ्री फोर फिर वन टू थ्री फोर ऐसे नहीं करेंगे ना क्योंकि साल बहुत बड़ा है उन्नीस तो हम क्या करेंगे इस नंबर को किससे डिवाइड कर देंगे हम इस नंबर को कर देंगे फोर से डिवाइड अगर ये फोर से पूर्णतः विभाजित हो जाए यानी कि टोटली या कंप्लीटली डिविजिबल हो जाए किससे फोर से तो ये लीप वर्ष है तो मैंने इसे फोर से डिवाइड किया तो फोर से डिवाइड करने के लिए आप लास्ट के दो डिवाइड कर दो बस लास्ट के दो डिजिट डिवाइड कर दो पूरे को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ये फोर का डिविजिबिलिटी रूल है अगर चार से पीछे के दो नंबर डिविजिबल हो जाते हैं इट मीन्स वो पूरा नंबर भी चार से विभाजित होगा तो मैंने फोर से डिवाइड किया फोर वनजा फोर थ्री बचा फोर एट जा थर्टी रिमाइंडर क्या बचा जीरो यानी कि ये पूरा का पूरा क्या हो रहा है डिविजिबल हो रहा है किससे फोर से और अगर ये फोर से डिविजिबल हो रहा है तो ये लीप वर्ष होगा ये क्या होगा आपका लीप वर्ष तो मैंने कह दिया कि 1972 सेवेंटी टू इज अ लीप ईयर या लीप वर्ष है समझ में आई बात है ना लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं रटना जब बच्चे रखते हैं या जब बच्चे दिमाग में रखते हैं तो बच्चे दिमाग में रखते हैं चार से डिवाइड करना है लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ, 1900, 1900 को आपको चार से डिवाइड करना है या आपको पता करना है कि ये लीप है या नहीं है मैंने सिर्फ इतना पूछा तो अब आप इसे किससे डिवाइड करोगे चार से ऐसे ही करते हैं बच्चे और बच्चे कहते हैं मैं प्लास्ट के दो डिजिट यानी कि डबल जीरो और फोर डबल जीरो कोई भी नंबर डबल जीरो को काट सकता है अगर उसी नंबर की मल्टीप्लीकेशन जीरो से कर दी जाए तो फोर जीरो जीरो ही तो होगा तो इसका मतलब मैम ये तो डिविजिबल है ये नहीं समझ में आ रहा तो पूरा डिवाइड करके भी देख लो बिल्कुल डिविजिबल होगा फोर्टीन फोर जा सिक्सटीन हो जाएगा बचेगा यहां पर कितना थ्री फोर्टीन कितने जा ट्वेंटी एट जा, हो जाएगा बचेगा टू फोर्टीन फाइव ज ट्वेंटी हो जाएगा तो पूरा डिविजिबल है तो बच्चा तो ये भी कह सकता है कि फिर 1900 जो है वो भी क्या है लीप वर्ष लेकिन वो लीप वर्ष नहीं है वो क्या है वो एक साधारण वर्ष है अब 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 क्या हो गया अब बात आती है कि मैम ये ये क्या ये क्या आपने बताया कि अभी तो आप कह रहे थे कि, कि किसी भी ईयर को फोर से डिवाइड करो अगर वो फोर से डिविजिबल होता है तो वो लीप वर्ष है तो हमने अभी 1900 जब आपने पूछा तो हमने फोर से डिवाइड किया पूरा डिवाइड भी हो रहा है अब आप कह रहे हो कि ये साधारण वर्ष है ऐसा क्यों है ना तो यहां पर अब देंगे हम ध्यान कि ऐसा क्यों मैंने कहा कि ये लीप वर्ष नहीं है तो इसके लिए पहले तो एक चीज समझ लो बेटा जिसे लोग अपवाद कहते हैं लोग कहते हैं या जो हम मानना है आपको वो ये मानना है कि जितने भी शताब्दी वर्ष होते हैं अभी शताब्दी वर्ष क्या होता है शताब्दी वर्ष का मतलब होता है सेंचुरी ईयर्स इन इंग्लिश सेंचुरी ईयर्स जितने भी होते हैं वो सभी लीप ईयर नहीं होते कि वो चार से डिवाइड कर लिए और लीप ईयर उनको अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है तो आपको उसे चार से नहीं आपको से चार सौ से डिवाइड करना पड़ेगा इट मींस जब मैंने आपको उन्नीस सौ पूछा कि उन्नीस सौ ईयर है कि नहीं है तो यू हैव टू डिड बाय फोर हंड्रेड नॉट बाय फोर है ना तो आपको इसको फोर हंड्रेड से डिवाइड करना है ना कि फोर से अगर ये फोर हंड्रेड से डिविजिबल है तो ये लीप ईयर है और अगर ये फोर हंड्रेड से डिविजिबल नहीं है तो ये लीप ईयर नहीं है यानी कि आपने ये कैंसिल आउट किया तो आप जानते हैं ये कभी डि डिविजिबल नहीं होगा नाइनटीन बाय फोर हो ही नहीं सकता है ना पॉइंट में वैल्यू आएगी या फिर रिमाइंडर छूटेगा तो कंप्लीटली डिविजिबल तो नहीं है और अगर कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है तो ये लीप वर्ष नहीं होगा ये कैसा होगा साधारण वर्ष अब बात आती है कि मैम हमें कब कब याद रखना है कि 400 से डिवाइड करना है कि 4 से डिवाइड करना है इसको 400 से क्यों नहीं किया तो मैं आपको बता दूं ये सिर्फ उन पर लगता है जो सेंचुरियर्स होते हैं जैसे जैसे 100 ये सेंचुरियर है 200 वर्ष 300 वर्ष 400 वर्ष वर्ष 500, वर्ष 600, 700. आप देख रहे होंगे ये सब कैसे हैं ईयर यानी कि ये सब हैं आपके शताब्दी वर्ष और जो शताब्दी वर्ष होते हैं उनको अगर आपको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं है तो आपको उनको किससे डिवाइड करना पड़ेगा आपको उनको डिवाइड करना पड़ेगा 400 से ठीक है 400 से डिवाइड करना पड़ेगा और जो नॉर्मल ईयर होते हैं नॉर्मल का मतलब है जिन, जिनके पीछे डबल जीरो नहीं होते यहाँ पे ध्यान रखना जिनके पीछे भी डबल जीरो होते हैं वो आपके सेंचुरी ईयर होते हैं कुछ बच्चों को ये नहीं पता होता डबल जीरो जिसके पीछे भी लगा होता है डबल जीरो वो सेंचुरीअर होते हैं और जिसके पीछे एक जीरो लगा वो सेंचुरीअर नहीं है अगर मान लो यहां पर मैं उन्नीस कर देती तो यह सेंचुरीयर नहीं है ठीक है तो सेंचुरीयर तब होता है जब उसके पीछे डबल जीरो लगे होते हैं तो डबल जीरो जिस भी ईयर के पीछे लगे हो आपको उसको 400 से डिवाइड करके देखना है अगर वो 400 से डिविजिबल है तो वो लीपियर है अगर वो 400 से डिविजिबल नहीं है तो वो लीपियर नहीं है समझ में आ गई बात पक्की बात चलिए अगर समझ में आ गई तो एक बार इसका स्क्रीन लीजिए और फिर हम बढ़ते हैं आगे चलिए अब बढ़ते हैं आगे तो ये तो हमने समझ लिया कि सबसे बेसिक चीज कि भाई आ, साल जो है वो बारह महीनों से मिलकर बनता है एक महीना आपका चार हफ्ते लगभग इनसे मिलकर बनता है चार हफ्ते से ज्यादा भी हो जाते हैं कई बार लेकिन चार हफ्ते मिनिमम होते हैं एक महीने में उसी तरीके से हमने ये भी देखा कि एक हफ्ता सात दिनों से मिलकर बनता है और जो दिन होते हैं वो तो घंटों से मिलकर बनते हैं चौबीस घंटे का एक दिन होता है ठीक अच्छा अब क्या बताना है ये भी हमने सीख लिया कि भाई कोई भी एयर का पता कैसे करते हैं कि वो लीप एयर है या वो आपका नॉर्मल एयर है क्योंकि आपका वन मार्क में क्वेश्चन आ सकता है या ऑब्जेक्टिव टाइप जब क्वेश्चन आता है तो वो तीन चार चार विकल्प दे देगा आपको चार वर्ष दे देगा और बोलेगा कि कि ये बताओ कि इसमें वन कौन सा है या फिर ये बताओ कि इसमें लीप लीप वर्ष वर्ष कौन कौन सा सा है या कौन सा लीप वर्ष नहीं है तो ये नहीं कि आप सबको चार से डिवाइड करके देख लो अगर चार सौ से तो आपको चार से डिवाइड करके देखना है ठीक है अब दूसरी बात अब एक कंसेप्ट आता है ऑड डेज ऑड डेज का मतलब होता है समझ में आ रहा है मतलब वो दिन जो आ, किसी भी महीने में या किसी भी साल में वो दिन जो ऑड होते हैं अब ये ऑड डेज होते क्या है हम क्यों इन्हें विषम दिन बोल रहे हैं देखो इसी विषम दिन पर बेस्ड है आपका कैलेंडर यानी कि अगर आपको विषम दिन का कंसेप्ट समझ में आ गया तभी आपको कैलेंडर आ सकता है वरना नहीं आ सकता ये विषम दिन का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है अब ये कॉन्सेप्ट क्या है देखो जैसे मान लो मैंने कहा एक लीप वर्ष है लीप ईयर और लीप वर्ष में सारी दुनिया जानती है कि इतने दिन होते हैं सारी दुनिया जानती है अगर मैं बोलूं कि एक नॉर्मल ईयर है नॉर्मल ईयर सारी दुनिया जानती है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं अब अगर कोई मुझे बोले कि ये बताओ कि इसमें कितने विषम दिन होंगे विषम दिन होते क्या हैं वो भी मैं आपको बता दूं किसी भी महीने में वो दिन जो हफ्ता ना बना पाए उसको हम विषम दिन बोलते हैं जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझाती हूँ मान लो जनवरी का कैलेंडर है मेरे पास ठीक है जनवरी का कोई भी साल का कैलेंडर एक्सवाइजेड तो जनवरी का कैलेंडर और यहाँ पे डेट पड़ी है जैसे मान लो संडे मंडे ट्यूसडे वेनसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे ठीक है ऐसे ही होता है कैलेंडर बना हुआ ठीक है ज़रूरी नहीं, नहीं कि पहला दिन संडे से ही शुरू हो रहा हो किसी भी दिन से शुरू हो सकता है मैंने मान लिया एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अट्ठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस और इकतीस ये सभी जानते होंगे कि जनवरी का महीना किसी भी साल का जनवरी का महीना इकतीस दिन लेकर आता है तो भाई जनवरी के महीने में इकतीस दिन होंगे चाहे तारीख एक से शुरू हो यानी संडे से शुरू हो या ट्यूजडे से शुरू हो या कभी इससे भी शुरू हो लेकिन मुझे इतना पता है कि ये क्या हो गया एक हफ्ता यानी शुरू के जो सात दिन हैं वो एक हफ्ता बना रहे यानी रविवार से लेकर आपके शनिवार तक एक हफ्ता हो गया ये क्या हो गया दूसरा हफ्ता ये क्या हो गए तीसरे हफ्ते में मिल गए ये क्या हो गए चौथे हफ्ते में मिल गए लेकिन क्या ये हफ्ता बना पाए नहीं कितने दिन बच गए जो हफ्ता नहीं बना पाए मैंने कहा ऐसे तीन दिन बच गए जो हफ्ता नहीं बना पाए यानी कि हफ्ता बना देते अगर इसमें चार दिन और होते पर ऐसा तो कोई महीना ही नहीं होता इसका मतलब 31 का हर महीना 31 दिन का हर महीना कितने ऑट डेज लेकर आता है तीन ऑट डेज लेकर आता है मैंने पहले बोला ऑट डेज की डेफिनेशन ये है कि वो दिन जो हफ्ता ना बना पाए जो हफ्ते के अंदर कैलकुलेट नहीं हो पाते वो विषम दिन हो जाते हैं तो यानी आपको अगर कोई पूछ ले कि भाई ये बताओ जनवरी का जो महीना है उसमें कितने ऑट डे होते हैं तो मैं बोलूंगी कितने होते हैं तीन मान लो मैंने बोला फरवरी फरवरी का महीना है और मैं आपसे बोल रही हूं कि कितने ऑड डे होंगे तो फरवरी में क्या है पता करना जरूरी है कि फरवरी 28 का या उनतीस का अगर मान लो ये कैलेंडर जनवरी का ना होकर किसका होता फरवरी का एक तारीख कभी से भी शुरू हो उससे मतलब नहीं है एक तारीख कभी से भी शुरू हो शुरू के सात दिन हफ्ता बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे एक हफ्ता होगा कि नहीं होगा है ना फरवरी एक से लेकर फरवरी सात तक एक हफ्ता होगा कि नहीं होगा फिर चाहे दिन कोई भी हो अब मान लो ये फरवरी का महीना है तो फरवरी के दो विकल्प हैं एक कि फरवरी 28 का हो अगर ये लीप वर्ष ना होकर साधारण वर्ष का कैलेंडर होता और तब मैं फरवरी की बात कर रही होती तो ये फरवरी 28 तारीख का होता अगर ये लीप होता तो ये फरवरी कितने दिन का होता उनतीस दिन का होता ठीक है तो अगर ये अट्ठाइस का होता तो फिर तो एक हफ्ता दो हफ्ता तीन हफ्ता चार हफ्ता तो क्या इसमें ऑड डे बसते नहीं मैम इसमें ऑड डे नहीं बसते यानी कि फरवरी अगर 28 का होता अगर फरवरी 28 का होता तो डे कितने होते तो ऑड डे होते हमारे जीरो लेकिन अगर फरवरी 29 का होता अगर फरवरी 29 का होता तो हमारे ऑर्ड डे कितने होते एक क्योंकि उसके बाद तो एक ही बचाए ना ये तो चार हफ्ते बन गए और एक आपका क्या बच गया ऑड डे समझ आ रही होगी बात पक्का ठीक है इन चीजों में मैं क्यों फोकस कर रही हूं क्योंकि अभी ये जो कोड बनते हैं ना थ्री टू वन थ्री टू वन ये ऐसे नहीं बनते ये इसी से बन रहे होते हैं तो हम बेसिक समझ रहे हैं इसका ठीक है अब अगर मैं आपसे बोलूं मार्च मैं कहूं मार्च में कितने ऑड ऑड्डे मैं सिर्फ महीना ले रही हूं साल की तो बात ही नहीं कर रही हूं अभी मैं मैंने कहा मार्च में और मार्च में सब जानते हैं इकत्तीस दिन का होता है मार्च और अगर इकतीस दिन का मार्च होता है तो मार्च में कितने ऑड डे बचेंगे तीन क्योंकि जनवरी में भी इकतीस दिन थे तो तीन ऑड डे बच रहे थे ठीक है अट्ठाईस ने तो पूरे चार हफ्ते बना दिए और बच्चे तीन वो तीन और डे उसके बाद में बोलू अप्रैल अप्रैल जाता है तीस का ध्यान रहे अप्रैल का महीना होगा तो अप्रैल का महीना कितने का जाएगा तीस का अगर ये फरवरी ना होकर ये अप्रैल होता फिर वही बोल रही एक तारीख कभी से भी शुरू हो एक से सात पूरा एक हफ्ता होगा फिर आठ से चौदह एक हफ्ता होगा पंद्रह से इक्कीस एक, एक हफ्ता होगा बाईस से अट्ठाईस एक हफ्ता होगा अब कितने दिन बच गए दो तो आपके अप्रैल के महीने में कितने दिन आएंगे दो और डे ठीक है तो जनवरी में तीन फरवरी में डिपेंड करता है अगर 28 है तो शून्य उनतीस है तो एक मार्च में तीन अप्रैल में दो अप्रैल के बाद आता है मई जो कि इकतीस का होता है तो तीन मई के बाद आता है जून जून में तीस दिन होते हैं यानी दो जून के बाद आता है जुलाई जुलाई में इकतीस दिन आते हैं यानी कि तीन अगस्त अगस्त में भी इकतीस दिन आते हैं यानी कि तीन अगस्त के बाद सितंबर जिसमें आते हैं दो सितंबर के बाद अक्टूबर जिसमें आते हैं तीन अक्टूबर के बाद नवंबर जिसमें आते हैं दो और तब फिर से दिसंबर जिसमें आते हैं तीन क्योंकि दिसंबर कितने का होता है इकतीस दिन का तो समझ पा रहे हो ये इनके कोड हैं जिन्हें आपको कई बार कहा जाता है कि रट लो रटना नहीं है आप समझ चुके हो कि कैसे आए हैं ठीक है अगर आपको किसी भी महीने में दिन पता है कि इसमें कितने दिन होते हैं आपको पता है कि भाई ऑड डेज क्या होते हैं जो हफ्ते के बाद एक्स्ट्रा आ रहे होते हैं वो आपके क्या होते हैं ऑड डेज होते हैं यानी अट्ठाईस के बाद जितने भी फालतू दिन आप बच रहे होंगे वो आपके ऑड डेज हो जाएंगे समझ में आ गई बात चलो अगर ये बात समझ में आ गई तो अब आते हैं इस पर जो मैं आपको समझाना चाह रही थी अब अगर मान लो बेटा कि आपके पास कोई लीप वर्ष होता अभी तो मैंने महीने के अड्डे की बात करी कि भाई एक महीना है जनवरी का उसमें बताओ जुलाई है तो उसमें बताओ अगस्त है तो उसमें बताओ लेकिन अब मैं आपसे बोल रही हूं महीने छोड़ो मैं आपसे बोल रही हूं कि भाई ये बताओ कि भाई लीप वर्ष जो होता है उसमें कितने अड्डे होते हैं अब लीप वर्ष में कितने अड्डे होते हैं उसके लिए एक तरीका तो ये होता है कि बच्चा कहता है मैम हम पहले हम जनवरी के गिनेंगे फिर हम फरवरी को उनतीस रखेंगे क्योंकि लीप वर्ष की आप बात कर रहे हो फिर उनतीस फरवरी के गिनेंगे फिर मार्च फिर अप्रैल फिर मई फिर जून फिर जुलाई फिर ऐसा करके हम दिसंबर तक गिनेंगे तो ये तरीका गलत है क्यों गलत है क्योंकि आप कर क्या रहे हो ऑटोमेटिकली आप गिन रहे हो जो भाई आपने पहले जनवरी का गिना आप लीप वर्ष की बात करो तो आपने गिने तीन फिर लीप वर्ष है तो उनतीस होगा तो एक ये चार फिर पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस हालांकि आंसर आ जाएगा इससे भी लेकिन आपको ऐसे नहीं गिनना आपको क्या करना है दिन तो आपको पता है ना कि किसी भी ली ईयर में कितने दिन होते हैं 366 डेज और ये डेज आए कहां से जनवरी के भी हैं फरवरी के भी हैं मार्च के भी हैं दिसंबर तक के हैं टोटल तो आपको क्या करना है इस 366 को सात से क्या कर देना है बेटा डिवाइड कर देना है अगर सात से डिवाइड क्यों कर रहे हैं क्योंकि भाई एक हफ्ता सात दिन का होता है तो सात सात के कितने पेयर बनेंगे पता चल जाएगा और जो एक्स्ट्रा बचे होंगे यानी कि जो रिमाइंडर बचा होगा जो शेष बचा होगा शेष वो हमारे और डेज हो जाएंगे तो मैंने सात से डिवाइड किया सात पंजे पैंतीस एक कैरी सात दुनी चौदह चौदह हो जाएगा फिर कितना बचेगा दो यानी दो क्या हो जाएंगे ऑड डेज ध्यान रहे आपको ये नहीं देखना आपको रिमाइंडर देखना होता है शेषफल देखना होता है ध्यान रखना यह चीज ठीक है अगर नॉर्मल ईयर होता नॉर्मल ईयर में तीन दिन और मैं सात से डिवाइड करती क्योंकि मुझे लीप वो ऑड डेज देखना है तो वही बावन से जाता लेकिन कितने दिन बसते हैं अब एक रिमाइंडर बसता तो इसमें कितने ऑड डे होते एक ऑड डे होता इसमें सिर्फ एक ऑड डे होता किसमें इसमें तो लीप वर्ष की अगर हम बात करें कि लीप वर्ष में कितने ऑड डे होते हैं तो दो होते हैं और अगर मैं बोलूं आपको नॉर्मल ईयर में कितने ऑड डे होते हैं तो आंसर होगा एक एक ऑड डे होता है नॉर्मल ईयर में समझ में आ गई वाली बात ठीक है अब यहां पर भी बच्चों की जो दिमाग काम करता है तो बंद नहीं होता दिमाग काम कर रहा कुछ एक्स्ट्रा ही काम कर रहा होता है कहते हैं कि मैम एक बात बताओ एक बात तो बिल्कुल समझ में नहीं आई कि जब एक महीने में तीन तीन ऑड डे आ जा रहे हैं दो दो ऑड डे आ जा रहे हैं तो पूरा एक साल बीत गया उसमें ऑड डे सिर्फ एक ही आ रहा है या दो ही आ रहे हैं ऐसा क्यों तो मैं आपको बता दू ऐसा इसलिए होता है बेटा क्योंकि आपने जब इसको जोड़ा चलो मान लेते हैं कि हम एक लीप ईयर के लिए तो तो फरवरी उन्तीस माना जाएगा तीन के बाद ये चार पांच छह सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस तो आपके पास तीस दिन होंगे अब आप बोलोगे मैम ये तीस डे हो रहे हैं आप तो यहां पर दो ऑड डे बोल रहे हो लीप ईयर में लेकिन बेटा इसको भी तो किससे डिवाइड करेंगे सात से नहीं करेंगे और सात से जब डिवाइड करोगे तो सेवन फोर ज्वेंटी एट तो रिमाइंडर क्या बचेगा शेषफल शेषफल बचेगा दो तो सात सेवन फोर ज्वेंटी एट तो तीस में से अट्ठाइस गया कितना बचेगा दो दो ही तो बच रहा था यहां भी अब बच्चे कहते हैं मैम सात से क्यों डिवाइड किया आपने ऐड करके क्यों नहीं बता दिया भाई आप खुद सोचो अगर जनवरी का कैलेंडर चल रहा है जनवरी के कैलेंडर जो तीन दिन छोड़ेगा मान लो उसने रविवार सोमवार और मंगलवार छोड़ दिया तो जो फरवरी का कैलेंडर आएगा एक तारीख से तो फरवरी का जब कैलेंडर आएगा तो वेडनेसडे से तो शुरू होगा नहीं समझे जैसे मान लो ये अप्रैल का कैलेंडर है ठीक है इस चीज को समझना अप्रैल के बाद किसका आएगा मई का आएगा ठीक है अप्रैल के बाद मई तो आएगा अप्रैल ने एक दो दिन एक तारीख से शुरू हुआ संडे उसका तो उसने तीस दिन करे कि भाई मेरे कैलेंडर में तीस दिन होते हैं तीस के बाद एक मई शुरू होगा होगा तो एक मई क्या संडे आएगा खुद सोचो नहीं आएगा क्यों क्योंकि मैम संडे मंडे ट्यू मंडे में आपका तीस अप्रैल हुआ तीस अप्रैल हुआ कब मंडे तो अब इसका जो एक तारीख है वो मंडे से थोड़ी ना वो तो कब से शुरू होगी ट्यूजडे से दो तारीख कब वेनजे तीन तारीख कब थर्सडे वो चार तारीख का फ्राइडे इस तरीके से होगा कहने का मतलब यह है कि यहां पर जब कैलकुलेशन होगी तो ऐसे होगी फिर पांच के बाद फिर छह सात फिर आठ फिर नौ फिर दस फिर ग्यारह भले इसके लिए हफ्ता पूरा एक ही होगा लेकिन इसके दो दिन इसके बाकी बचे हुए चार या जो भी चार दिन है या तो पांच दिन है उनके साथ मिलकर हफ्ता नहीं बनाएंगे यानी कि अगर इंडिविजुअली देखें तो हर महीने में तीन दो एक शून्य इस तरीके से क्या आते हैं ऑड्डे आते हैं लेकिन अगर मैं पूरे साल का देखूं तो इसके बचे हुए दिन दूसरे महीने के साथ मिलके अपनी वो पूरी कर लेते हैं हफ्ता उसके बचे हुए दिन अगले वाले महीने के साथ कर लेते हैं उसके बचे हुए दिन अगले तो वाले महीने के साथ कर लेते लमसम हमारे पास जो बसता है वो ये बसता है और ध्यान रखना ऑड डे कभी भी छह से ज्यादा नहीं आ सकता यानी कि अगर वो छह से ज्यादा हो गया तो ऑड डे किस बात का छह से ज्यादा तो कोई भी नंबर हो सेवन से डिविजिबल हो जाता है और रिमाइंडर छोड़ेगा जो भी छोड़ेगा अगर छह से बड़ा सात होगा तो सात तो पूरा डिविजिबल है आठ होगा तो एक आ, एक रिमाइंडर छोड़ेगा एक डे छोड़ेगा नौ होंगे तो दो डे छोड़ेंगे दस होंगे तो तीन डे छोड़ेंगे समझ लो मेरी बात तो ये चीज समझने जरूरी है कि जब हम ईयर की बात करते हैं तो ईयर में लीप ईयर में दो डे आते हैं आपका नॉर्मल ईयर में आपका एक डे आता है और अगर हम बात करते हैं किसकी पूरे साल की तो सॉरी एक महीने की तो महीने के में इस तरीके से आते हैं ठीक है फिर उसे ऐड कर लेते हैं ऐड करने के बाद फिर से सात से डिवाइड कर देते हैं अगर वो नंबर सात से बड़ा है तो सात से डिवाइड करते हैं ठीक है सात या सात से बड़ा है तो डिवाइड करके तब रिमाइंडर लेते हैं तो सबसे बेहतर यही है कि जितने भी दिन आपको पता है उसको डिवाइड कर लो डायरेक्ट आप रिमाइंडर लिख लो समझ में आ गई बात चलिए इसे पेन डाउन कीजिए फटाफट से, फटा -फट से। चलिए अब एक चीज और जब बच्चे आ, काफी वो करते हैं कि मैम आप कह रहे थे कि किसी भी साल को जब हम डिवाइड करते हैं फोर से तो हम सेंचुरी ईयर को फिर क्यों कर रहे हैं फोर हंड्रेड से क्योंकि चार चार साल बाद ही तो लीपियर आता है लेकिन ऐसा नहीं होता जो सेंचुरी ईयर होते हैं बेटा उसमें जो फोर से डिविजिबल होगा वही आपका लीपियर होगा वरना नहीं तो जैसे ये है ये लीपेयर नहीं है ये पूरी लाइन में जितने भी आ रहे हैं लीपेयर है ही नहीं जैसे ये है ये भी लीपेयर नहीं है चार सौ से डिविजिबल नहीं है कोई भी ये भी लीपेयर नहीं है लेकिन फिर ये वाली लाइन जो है वो लीपेयर वालों की लाइन है

फिर जो होगा वो सन आठ में आया होगा फिर जो होगा जो सन बारह में आया होगा फिर जब होगा तो वो सन सोलह में आया होगा है ना उसके बाद आया होगा सो सन कितने में बीस में आया होगा उसके बाद आप कहोगे चौबीस में आया होगा फिर अट्ठाईस में आया होगा ऐसा करते 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 एक नाइन्टी सिक्स में आया होगा और नाइन्टी सिक्स के चार साल बाद तो हंड्रेड ईयर आता है आता है कि नहीं आता तो मैम आप ये कह रहे हो कि हंड्रेड वाला साल लीप ईयर नहीं है हाँ जी नहीं है तो यानी अगर आप सौवे साल का कैलेंडर उठा के देखो ग्रिगरियन जो हमारे साइंटिस्ट थे ग्रिगोरियन ने जब आपका कैलेंडर दिया था तो उन्होंने जो कैलकुलेशन की थी बेटा तो उस पर बेस्ड है ये तो उन्होंने कहा 96 के बाद तो हंड्रेड चार साल बाद सौवा साल आना चाहिए लेकिन ये लीपियर था ही नहीं इसके बाद सीधा कब आया 104 साल में फिर कब आया 108 साल में फिर कब आया 112 साल में ये सब हुआ हुआ, हुआ 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 उसके बाद वही 196 में उसके बाद फिर 200 हंड्रेड लीपियर नहीं था फिर 2004 ऐसा ऐसा करते करते सीधा यहाँ आया ऐसा क्यों ऐसा क्यों हालांकि एग्जामिनर एग्जाम exam में ऐसा नहीं वो कह रहा है कि एक्सप्लेन वाई एक्सप्लेन वाई वाला तो हमारा एग्ज़ाम है ही नहीं हमारा तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है एम देगा और हमें टिक करने होंगे आंसर्स है ना तो अब मैं आपको बता दूं कि ऐसा क्यों होता है इसका लॉजिक बता देती हूं कि ऐसा क्यों होता है ठीक है तो देखो जब हमें बचपन में पढ़ाया गया था बचपन में जब हम लोग छोटे थे तो ज्योग्राफी में मैम पढ़ाती थी कि जो हमारी ये जो कैलेंडर का कंसेप्ट आया है हमारी टीचर कहती थी कि जो सूरज है सूरज के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है ऐसा बोलती थी सारे ग्रह घूम रहे हैं भाई है ना तो पृथ्वी कौन सा खास है तो पृथ्वी घूम रही है और ये कहा जाता था कि जो पृथ्वी एक चक्कर मारती है जो एक चक्कर मारती है पृथ्वी उस एक चक्कर में वो तीन दिन का टाइम लगाती है और इसे लमसम मैम हमें बताती थी एक साल ये एक साल ही तो हुआ है ना लीप ईयर छोड़ो नॉर्मल छोड़ो लगभग एक साल का टाइम लगाती है एक चक्कर में लेकिन ये जो आंकड़े हैं गलत है अगर बोला जाए ये क्या है ये एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है जो हमें कैलकुलेशन ईजी करने के लिए या बच्चों को याद ईजीली रह जाए इसलिए बताई जाती थी हमारा टीचर गलत नहीं बताता था मैं ये नहीं कह रही हूँ टीचर गलत बताते थे मैं कह रही हूँ कि हमें बस ये बताया जाता था कि वन राउंड ऑफ सन या वन राउंड ऑफ अर्थ ठीक है अराउंड सन इज इक्वल्स टू थ्री सिक्सटी फाइव डेज और तीन सौ पैंसठ दिन होता क्या था एक चक्कर लगाने में जो हमारी पृथ्वी है वो टाइम लगाती थी कितना वो लगाती थी तीन दिन ये तो लगाती लगाती थी ठीक है पांच घंटे यानी फाइव आवर्स पांच घंटे सैंतालीस मिनट और अड़तालीस दशमलव सेकेंड कुछ इस तरीके का टाइम लगता था मैं ये आपको पहले ही बता दूं ये भी फिक्स नहीं है ये भी फिक्स नहीं है फिक्स नहीं है का मतलब ऐसा नहीं कि जो मैंने ये नंबर्स बताए हैं अलग अलग किताबों में अलग अलग नंबर लिखे हैं तो फिक्स है अप्रोक्सीमेट है कोई कहता है 46 मिनट कोई कहता है 48 मिनट 47 सेवन सेकेंड कुछ भी लेकिन इसका आसपास का टाइम है कहने का मतलब ये है कि थ्री सिक्सटी डेज के एक्स्ट्रा भी कुछ टाइम लगता है ठीक है अब जब वो दूसरा चक्कर मारती है तो भाई ऐसा तो है नहीं कि दूसरे चक्कर में ग्लूकोज पी के आ गई और बहुत तेजी से मार लिया भाई उतना ही टाइम लेती है ठीक है यूनिवर्सल बॉडीज है ठीक है इतने ही दिन इतने ही घंटे इतने ही मिनट और इतने ही ये फिक्स है ठीक है इतने ही सेकेंड मैं कह रही हूँ अलग अलग किताबों में अलग अलग मिलेगा ठीक है बस मैं आपको कंसेप्ट बता रही हूँ इसका फिर जब तीसरा चक्कर मारा होगा तीसरा चक्कर तीसरे चक्कर में भी ये सब वही होगा 365 डेज और 5 आवर्स 47 मिनट 48.5 सेकंड्स ठीक है भाई अब जब चौथा चक्कर मारा होगा तो 365 फाइव आवर्स 47 मिनट्स 48.5 सेकंड यही होगा लेकिन मैं आपको एक चीज बता दूं ये जो लीप ईयर का कांसेप्ट है ना बेटा वो यहीं से आया जब ग्रेगोरियन ने जो ग्रेगोरियन साइंटिस्ट थे इन्होंने जब पूरी रिसर्च करी इन्होंने पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन की कि भैया कहाँ से आ रहा है क्यों ऐसा हो रहा है कि ये फरवरी नहीं आ पा रहा है इसमें उनतीस सौवे साल में फिर दो सौ में नहीं आ पा रहा है जबकि हर चार साल बाद रिपीट होना चाहिए तो उन्होंने तब ये कंसर्ट देखा उन्होंने कहा भाई जैसे आपके टीचर ने बचपन में इसको अप्रॉक्सीमेट बता दिया कि भाई इसके बाद जो पाँच घंटे बनते बचे वो हमने ले रहे हमने बस इतना दिन ले लिया तो वैसे ही मैं अपनी कैलकुलेशन के हिसाब से इसको अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ पाँच घंटे सैंतालीस मिनट को और मैं ले रहा हूँ इनको कितना छः घंटे उन्होंने भी गलत नहीं किया कह रहे मैंने ऐसी कैलकुलेशन की कि मैंने इसको कितना ले लिया छह घंटे के बराबर ये छह घंटे के बराबर ही तो है अगर आपसे कोई बोले पांच घंटे सैंतालीस मिनट तो लगभग छह घंटे का टाइम है तो यहाँ के छह घंटे फिर अगले चक्कर के छह घंटे फिर अगले चक्कर के छह घंटे और फिर अगले चक्कर के छह घंटे यानी एक दो तीन चार चार बार छः घंटे छः घंटे तो सिक्स इंटू फोर कितना होता है ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर क्या घंटे और ट्वेंटी फोर घंटे मीन्स वन डे ट्वेंटी फोर घंटे का मतलब क्या होता है एक दिन और 24 घंटे का मतलब एक दिन मतलब ये चक्कर काटते काटते इतने घंटे इकट्ठा कर रहा है और इतने घंटे इकट्ठा करने के बाद चार साल बाद आ रहा है कि लो भैया एक दिन एक दिन एक है हमारे पास डालोगे आप उसे आपने उसे डाल दिया फरवरी में किसने गुरुग्रेन के अकॉर्डिंग गुरुग्रेन ने कहा कि भाई ये जो चार आपने ये माने थे इसको मैंने छह घंटे मान लिया छह घंटे में ग्यारह मिनट समथिंग कुछ कम है लेकिन मैंने इसे छह घंटे मान लिया और छह घंटे के हिसाब से चार साल तक ये चौबीस घंटे बन जाते हैं और ये चौबीस घंटे को हमने फरवरी का वो उनतीस तारीख मान लिया इसीलिए यही वजह है कि हर चार साल बाद लीप ईयर आता है यही वजह है तो बच्चे ने कहा ठीक है हम मान गए तो भैया हम तो ये पूछ रहे हैं ना कि चार साल बाद आता है तो ये 96 के बाद 100 में क्यों नहीं आ रहा 196 के बाद इसमें क्यों नहीं आ रहा चार साल बाद हाँ और फिर आप कह रहे हो इसमें आ रहा है तो अब 400 साल का क्या कंसेप्ट है तो 400 साल का कंसेप्ट क्या है वो भी बता दू ये कंसेप्ट मैंने कहा ना हर गलती की सजा होती है तो ग्रिगोरियन कहते हैं कि भाई मैंने इसे छह घंटे माना था थोड़ी ना छह घंटे यानी छह घंटे में कुछ तो कम था कुछ मिनट कम थी बिल्कुल कुछ मिनट कम थे कह रहा वो कुछ मिनट यहाँ से वो कुछ मिनट से ये बचते 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 ये जाकर यहाँ पूरे होते सौ साल बाद पूरे होते रहते हैं और फिर जाके लीप ईयर का टाइम आता है 400 साल में इसीलिए वो जो मिनट की जो इसके बीच में जो डिफरेंस आता है उसको पूरा करने के लिए सेंचुरी आता ही नहीं वो बनते रहते हैं तब तक बनते रहते हैं तब जाके 400 पे रिपीट होते हैं ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम किसी दुकानदार के पास जाते हैं ठीक है बहुत ध्यान से देखना बहुत सिंपल सा है किसी दुकानदार के पास जाते हैं और हमने उस दुकान वाले से क्या किया कुछ पैसे कुछ सामान लिया मैंने कहा हमने दुकानदार से कुछ सामान लिया दुकानदार से हमने क्या सामान लिया कुछ भी लिया और वो सामान था निन्यानवे रुपए का निन्यानवे रुपए का सामान था ठीक है हमने उसे कितने रुपए दिए हमने उसे सौ का नोट दे दिया खुले नहीं थे हमारे पास और उसने हमें सामान पकड़ाया और बोला जाओ एक रुपए नहीं है और हम भी ऐसे एक रुपए के लिए लड़ते भी नहीं हम कहते हैं हाँ ठीक है तो हमने दिए कितने दिए कितने ये हैं जो दिए जा रहे हैं दिए कितने दिए सौ और थे कितने कीमत कितनी थी निन्यानवे की हमने सौ रुपए दिया उसने निन्यानवे का सामान दिया और हम चल दिए उसने एक रुपए वापस नहीं किया कौन है घाटे में आप कितने रुपए के एक रुपए के अगले दिन आप फिर गए आपने फिर से निन्यानवे रुपए का सामान खरीदा फिर से सौ की पत्ती पकड़ाई उसने आपको एक रुपए वापस नहीं किए ऐसा hm करते 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 आपको कितने दिन हो गए निन्यानवे दिन यानी पहला दिन दूसरा दिन तीसरा दिन निन्यानवे दिन आपने फिर सौ का नोट पकड़ाया फिर नहीं दिया अब जो सौवा दिन था हंड्रेडवे दिन जब आप गए तो हंड्रेडवे दिन जब आप गए तो आपने कहा भाई वो सामान पैक करना उसने निन्यानवे रुपए का सामान दिया आज आपने पैसे नहीं दिए और आज आपने हिसाब पूरा किया अब आप सोचोगे कैसे भाई एक एक दिन करके निन्यानवे दिन तक एक एक रुपए जमा हो गया होगा दुकानदार के पास आपका तो एक एक रुपये जमा हो गया होगा यानी टोटल निन्यानवे रुपए जमा हो गए होंगे जब सौ दिन आप दुकान में गए आपने सामान तो लिया लेकिन आपने पैसे नहीं दिए क्यों आपने कहा भाई एक एक रुपये तुम मार रहे थे निन्यानवे दिन से आज उसका हिसाब पूरा करने का टाइम आ गया है अब हुआ ना हिसाब पूरा तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी होता है तो यहाँ पर वो जो ग्यारह ग्यारह मिनट बच रहे थे बेटा उसका हिसाब पूरा हो रहा होता है तो हर सौ साल में फिर दो सौ साल में फिर तीन सौ साल में लेकिन जैसे ही चार सौ साल का बन जाता है तब तो वो इकट्ठा होकर फिर हो जाते हैं तो इसलिए इन्हें सेंचुरी को 400 से डिवाइड करते हैं चार से डिवाइड नहीं करते ठीक है आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ठीक है चलिए अब आज एक एक सिंपल सा एक क्वेश्चन आपको मैं बता देती हूं कि कैसे क्वेश्चन आते हैं सोल्व हम अगले एपिसोड से करेंगे ये बेसिक था आज किसका कैलेंडर का ये आपको आना चाहिए अब क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं ये भी देख लो क्वेश्चन किस तरीके से एग्जामिनर आपको देगा एग्जाम में ये दुकान वाला जो एग्जाम्पल था बेटा ये याद करने के लिए था समझने के लिए कि मैं क्या समझाना चाह रही हूं आपको हालांकि एग्जामिनर नहीं पूछेगा बट आपको आना चाहिए देखो मैंने क्या किया मैंने आपको बोला कि भाई तेरह जुलाई नाइनटीन को मान लो मैंने कहा क्या दिन था आपको ये बताना है ठीक है कोई भी दिन ले लिया और आपसे पूछा भाई इस दिन क्या दिन था ठीक है इसको सीखेंगे हम बनाना पहला टाइप का क्वेश्चन ही है दूसरा टाइप का क्वेश्चन है कि एग्जामिनर ने आपको बोला कि भाई पंद्रह जनवरी दो हजार एक को यदि मंगलवार था तो आपको बताना है कि ग्यारह नवंबर सन दो हजार एक को क्या दिन होगा ठीक है एक दिन वो दे देगा और अगला दिन वो पूछ लेगा कोई भी अगले महीने दो तीन महीने बाद का सात महीने पहले का कुछ भी एक आपका क्वेश्चन आता है ठीक है, है तो आपसे बोलेगा ये बताओ कि एक दिन बाद दिन बाद कौन सा दिन आएगा ठीक है और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन कि भाई कोई कैलेंडर है वो अपने आप को कब रिपीट करता है रिपीट करने का मतलब बेटा एज इट इज एज इट इज रिपीट करता है सेम डेज सेम आपके डेज uh, हो रहे हैं वहां पे, सेम दिन पड़ रहा है संडे है तो संडे पड़ रहा है कैलेंडर एज इट इज आपका क्या होता है सेम रिपीट हो जाता है तो कब होता है तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके पास पूछे आते हैं एग्जाम में ठीक है तो चलिए इसको करेंगे अगले अगले एपिसोड एपिसोड में 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 आशा है आज आज की बात समझ आई होगी अगले एपिसोड में ये सारी चीजें जो मैंने आज, आपको समझाई हैं इनको दिमाग में रख के आना ठीक है तभी हम क्वेश्चन कर पाएंगे तभी हम कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे कि क्या ऑड डे का कॉन्सेप्ट होता है कैसे कोड बनते हैं और कैसे इन क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं और आशा है आपको समझ में आया होगा तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए और अगले एपिसोड में मिलते हैं मेरे चैनल नॉलेज कैटल में